एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कराया था रिवर्स काउंटिंग 10 to 1, और कल मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था कि रिवर्स काउंटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी गिनती। तो कल मैंने आपको 10 से 1 तक करवाई थी और आपको समझाया था 0 के नीचे आपको लिखना है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और आज मैं आपको बता रही हूँ 20 से 11 तक आपको किस तरह से लिखना है। तो ये जो 2 0 20, तो 0 की जो लाइन है उधर हम 9 की लाइन लिखेंगे, 0 के नीचे किसकी लाइन लिखेंगे, 9 की, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1, 2 के नीचे हम 1 1 1 1 1, और सर यहाँ तक हम 1 1 1 लिखेंगे। 10 टाइम हमको 1 1 1 लिखना है। अब देखिए, 2 0 20 1 9 19 1 8 18 1 7 17 1 6 16 1 5 15 1 4 14 1 3 13 1 2 12 1 1 11, तो हो गया ना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11, आपको समझ में आया। आज आपको 20 to 11 रिवर्स काउंटिंग अपनी मैथ नोटबुक में करनी है।